गुड मॉर्निंग। और आज की जो गुड मॉर्निंग की शुरुआत है वो कुछ इस तरीके से हो रही है। ये हमारा ब्रेकफास्ट और मैं पीती हूँ अभी गर्म पानी। तो आज की जो मॉर्निंग की स्टार्ट है वो मैंने इस तरीके से की है। तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं प्रियंका और प्रियंका मीणा व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का जो दिन है वो मैं आज आप लोग शायद शेयर करूंगी। और अभी मतलब कि ये इवनिंग के टाइम का है और हम यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब बैठते हैं, क्योंकि जैसे अयान लोग वगैरह इधर खेलते रहते हैं तो इधर से पता भी रहता है। और गाइज, ये जो हमारे गार्डन में मतलब कि आम के पेड़, अभी आम का सीज़न इधर ना बहुत ज़्यादा अच्छे आम मिलते हैं, तो ये आप देख सकते हो। अभी केरिया वगैरह आई हुई है और इस वाले पेड़ में इस बार बहुत ज़्यादा आम लगे हुए अगर आपको दिख रहे हो तो। और अभी तो गाइज ये कच्चे ही हैं, जब पकेंगे तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वेराइटी, और यहाँ के ना जो आम है वो बहुत ही फेमस है। वैसे तो मतलब मार्केट वगैरह में तो स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी उतनी अच्छी क्वांटिटी में और क्वालिटी में अभी नहीं आए हैं। तो जैसे आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और आज मैंने थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, हम बैठे हुए थे यहाँ पे थोड़ा सा। और गाइस, ये था शाम का टाइम और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। और गाइज, आज थी 8 अप्रैल और मैं गई थी थोड़े बहुत पूजा के सामान लेने मार्केट में। तो गाइज, मैं आ चुकी हूँ शॉप पे और यहाँ से मुझे लेना है पूजा के सामान, क्योंकि मतलब कि 9 अप्रैल को ना संकट चतुर्थी है, तो मेरा उस दिन फास्ट रहेगा। उसी का मैं मतलब फास्टिंग रखूँगी, उसी के लिए मुझे सारी चीज़ें चाहिए थी। और ऑलमोस्ट मतलब इस शॉप पे ना सारी चीज़ें मिल जाती है जो भी पूजा में यूज़ ली जाती है। तो मैं ले चुकी थी सारी चीज़ें जो जो मुझे चाहिए थी। और फिर यहाँ पे मुझे ना एक दीपक दिखा, मतलब ऑनलाइन वगैरह भी आपको इस तरीके के बहुत मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये था काफ़ी अच्छा सा लग रहा था और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, छोटा ही था साइज। मतलब इसकी थोड़ी सी मुझे छोटी लगी। बाकी ऐसे मतलब कि अगर जैसे आप रोज़ की अगर पूजा करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये ठीक था। और सेम डे गाइस, शाम को मैंने लगाई ये मेहंदी। तो मुझे ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनानी आती, बस इतनी ही मुझे बनानी थी, बहुत ज़्यादा नहीं बनानी थी। और इसी तरीके की मुझे बनानी आती है, तो मैं बना ली थी एक हाथ में और दूसरे हाथ में बनती नहीं है, तो उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। तो ये मैंने कुछ इस तरीके की लगाई थी आगे में और ये थी बैक में। और गाइस, आज है 9 अप्रैल और आज मेरा फुल डे फास्टिंग। मतलब पानी वगैरह तो पी सकते हैं। और अभी मुझे जाना था नहाने, तो फिर मैं सोच रही थी कि आज मैं ना जो ट्रेडिशनल हमारा ड्रेस है सिर्फ वही पहनूं। तो बस लूगड़ी और ये ओढ़नी है वो मैं डिसाइड कर रही थी इस लहंगे पे। तो वैसे तो ये ब्लू कलर की इस पे जाने वाली थी, मतलब ये स्काई ब्लू वाला कलर है, लेकिन वैसे पूजा वगैरह में इसको नहीं पहना जाता, इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया कि नहीं पहनती हूँ। और जो ऑरेंज कलर की थी वही मैंने इस पर वियर की है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, जो थे वो सिर्फ यही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ। तो ये थे, और ये फिर मैंने इस पर वेयर करने के लिए थोड़ी निकाली, दो जो चूड़ी आती है वो। और मेरा जो फुल लुक है वो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगाऊंगी, उसमें आप ज़रूर से मुझे बताइएगा कमेंट करके। और गाइस, ये है शाम की पूजा। मैंने खाना वाना सब बना के फिर करी थी मैंने पूजा। और मतलब आप देख सकते हो, स्टार्टिंग से तो मैंने वीडियो बनाई थी पर वो शायद सेव नहीं हुई है, ये लास्ट का बचा है। और हमारे यहाँ पे ना जैसे कई लोग चौकी वगैरह पे रखते हैं, वो हमारे घर में मतलब हमारे इधर नहीं रखा जाता है, पता नहीं आप लोगों के उधर रखते होंगे। और मैंने सिर्फ ये मतलब मेरे पास 2 थाली है, तो एक मैंने ये वाली जो थाली इसको मैंने ऊपर मतलब चाँद देखूँगी तब मतलब इसमें इससे पूजा कर लूँगी, और अभी के लिए ये रखी थी। बस ये नॉर्मल सी पूजा होती है, बहुत मुझे आती भी नहीं है, और मैंने शुरू से बस यही हमारे तो घर में मतलब इसी तरीके से पूजा होती हुई देखी है, तो यही मुझे आती है, तो इतनी मैं करती हूँ। क्योंकि जो मैं मतलब शुरू से कर रही हूँ वही पूजा जो मतलब शुरू से देख रही हूँ वही मैं करती हूँ। और ये इस तरीके से इसमें धूप, थोड़ा सा ये मिठाई वगैरह, और जो मतलब भोग लगाया जाता है माता जी को उसका, बस यही सारी चीज़। और गाइस, आप लोगों में से किस किस ने रखा था फास्ट वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपकी तरफ किस तरीके से पूजा होती है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस, हम आ गए थे छत पे, ऑलमोस्ट ना मतलब कि 10 बज गए थे इस टाइम पे हम आए थे छत पे, और कहीं पे चाँद दिखाई नहीं दे रहा था। तो फाइनली गाइज, इतना वेट करने के बाद अभी चाँद निकल चुका है, जो कि आप देख सकते हो। और ये थी थिंक 10:45 के ऑलमोस्ट चाँद निकला था हमारे यहाँ पे, तो यही टाइमिंग थी। और बस अब इसकी मैं पूजा वूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर हम खाना वाना खाएंगे। तो आप भी देख सकते हो जो चाँद है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारे यहाँ से। और अब गाइस मैं इसको देती हूँ अर्घ, उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी। और गाइज अर्घ देने के लिए मैं सबसे पहले एक साफ़ सुथरा सी जगह ढूंढ लेती हूँ छत पे। तो जो छत की दीवार होती है ना, उस पे मैं एक स्वास्तिक बना लेती हूँ और फिर उसी पे मतलब कि थोड़ा सा जैसे कि स्वास्तिक बना के उसी पे चावल और थोड़ा मतलब कि तिलक के लिए रोली और जो मतलब कि वस्त्र होता है वो सारा उसी पे डाल के, थोड़ा बहुत फूल वूल तो उसी पे डाल के और अगरबत्ती लगा के गाइज, और फिर मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। वैसे सामने चांद होता ही है, उस पर भी आप मतलब कि ऐसे थोड़ा सा ऐसे देने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन मैं ऑलमोस्ट यही कि पैरों में ना जाए, और फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो इस तरीके से गाइज मैं ये सब चीज़ें होने के बाद फिर 5 या फिर 7 परिक्रमा भी इसके करनी होती है, वो आपकी इच्छा है कि आप कितने करना चाहते हो। तो बस यही सारी चीज़ें हो जाने के It gets confusing when you say you love me, when you say that we're just friends. You must be thinking this is just a game. I'm not interested to play. I'm looking for something real. Won't you tell me how you feel? What your true intentions? If you want me, baby, something needs to change. I'm done wondering. I want clarity. No more wicked ways. Love me, early me. Yeah. तो गाइज मैंने इस तरीके से पूजा कंप्लीट की है और अब मैं खाऊंगी खाना, और उसमें मैं आपको बता देती हूँ आज का ऑलमोस्ट हमारे इतना ही बनता है, जिसमें पूरी सब्जी और सब्जी बनाई थी पनीर मलाई की, पोहा, मिठाई और ये थी पालक की पकौड़ी। क्योंकि फिर ज़्यादा खाना बनता है तो बचता भी है, तो वो फिर यूज भी नहीं आता है, इसीलिए फिर ज़्यादा नहीं बनाते। और अब भी अयान सुना रहा था नेशनल एंथम, जो कि वो स्कूल में सीखा है वो। तो ये था गाइज मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसकी साइड में जो बेल आइकन वाला बटन है उस पर भी ज़रूर से क्लिक करें, ताकि मेरे और भी जो आने वाले वीडियोज़ हो, व्लॉग्स हो, वो सभी आप लोगों को मिले। एंड गाइज प्लीज़ चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स ज़रूर करना। And thank you for watching my videos. Till then, bye.